अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज की जो पकोड़े बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में, तो वो पकोड़े बन रहे हैं ब्रेड और अंडे के पकोड़े बन रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बन के आते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं एक नई रेसिपी। ब्रेड के 2 पीस लिए हैं और इसे हमने थोड़ा पानी में डालकर इसको सोख लिया है। देखिए पानी इसको खूब अच्छी तरीके से ऐसे भिगोएंगे पानी में। और पानी इसका देखिए खूब अच्छा सा ऐसे देखिए भीग गए हैं अच्छी तरीके से। इसे चेक कर लेंगे कि अब तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए हाथ से चेक कर रहे हैं। और अब जो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है प्याज लिए बारीक महीन पीसों में काट कर, और एक आलू लिया उसे भी पीसों में काटे हैं और बहुत महीन महीन आलू काटे हैं, और 2 हरी मिर्च ली हैं, और इसके अंदर 1 अंडा हम लोग फेंट कर इसमें ऐड कर रहे हैं। अंडा फेंट दिया, इसमें ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच नमक ऐड करा है, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन है, और ये भुना हुआ जीरा लिया है आधा चम्मच, और 1 हमने कप जो है बेसन ले लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे खूब बढ़िया सा, जैसे पकोड़े होते हैं बनते हैं पकोड़ों का करते हैं तो इसी तरीके से। और इसमें हमने ब्रेड ऐड करी है, देखिए खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लिया है। तो देखिए इसे इस तरीके से इसको पेड़े की तरह जैसे गोल गोल बनाना है। लच्छेदार पकोड़े बन के आएंगे, प्याज अंडा ब्रेड सब देखिए कितना अच्छा सा बन के आ रहा है। ऐसे गोल गोल करके ऐसे बड़े बड़े से जो पीस होते हैं उस तरह से हम ऐड कर रहे हैं पकौड़ों को जो हम फ्राई कर रहे हैं। तो इसको जो है मीडियम ही हीट पे ही बनाएंगे, लो फ्लेम पर, क्योंकि ये अंदर से खूब अच्छे से सिक जाएंगे, खूब अच्छे से क्रंची से बनना चाहिए पकौड़े। और देखिए हीट जो है मीडियम ही है, और एक साइड से ये हो गए हैं और दूसरी साइड इसकी चेंज कर रही है। ये खूब अच्छे से बन रहे हैं ब्रेड और अंडे के पकौड़े। आप लोग भी बनाइए, और कैसी लग रही है मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर बनाइए। रमज़ानों की स्पेशल पकोड़े रेसिपी है, अलग अलग तरीके से ही बनाते हैं हम लोग पकोड़े। और देखिए बन के ये तैयार हो गया है, खूब तो बढ़िया से बन के तैयार होते हैं। आप लोग भी इसको ट्राई करिए, बनाइए, खूब तो बढ़िया बन के आ रहे हैं पकोड़े। देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आया है इसका, बस इतने ही कलर चाहिए था हमें। और अब हमने दूसरे पकौड़े जो और रह गए थे वो भी उसमें दूसरी कढ़ाई में दूसरी बार भी ऐड कर दिए हैं। देखिए कितने अच्छे से बन के आ गए हैं ये पकौड़े, बन के रेडी हो गए हैं। और रमज़ान स्पेशल में ये पकौड़े बने हैं, अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बनाइए, एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़।